दोस्तों काफ़ी भाई सोचते होंगे कि हमारे यहाँ पर जब कबूतर के बच्चे निकलते हैं तो छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं। ठीक है, कभी आपने ये वीडियो पूरी देख लिए समझ लिए तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बच्चे एक भी छोटा बड़ा नहीं होंगे, बराबर से बच्चे निकलेंगे और तंदुरुस्त बच्चे बनेंगे। तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है कबूतर केयर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको हर एक तरीके का नॉलेज मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों आप समझ गए हो कि मैं वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ। ये है हर कबूतरबाज के साथ ऐसा होता है। अब कौन से कबूतरबाज जो कबूतरबाजी में पहली बार आया है और उनने कबूतर लेके आया है, लेके आने के बाद में जब उसके यहाँ बच्चे निकल रहे तो एक छोटा बच्चा हो रहा है तो एक बड़ा बच्चा हो रहा है। ठीक है ना, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा, और उस बीच में क्या होता है, बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, वो छोटा बच्चा बेचारा छोटा हो गया बेचारा ख़त्म हो जाता है। आप चाहते हैं कि यार ऐसी प्रॉब्लम हमारे वहाँ नहीं हो, हमारे कबूतर बच्चे एक भी नहीं मरे छोटे बड़े होके, तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी कबूतरी मादी अंडे देती है ना, जैसे कि आज मादी ने अंडे दिए, तो उस अंडे को मैं देखो इस वीडियो में बहुत सारे तरीके बताऊँगा जिस तरीके से आप बच्चे लेवल में कर सकते हो, बच्चे अच्छे पलवा सकते हो। ठीक है, वीडियो बारीकी से देखना समझना आप। जैसी वो मादी पहला अंडा देती है तो उस अंडे को सावधानी से आप साइड में रख दो कि वो अंडा ख़राब नहीं हो, और उसके नीचे आप दूसरा अंडा रख दो ख़राब अंडा। उसको लगना नहीं चाहिए कि यार मेरा एक अंडा कहाँ चलेगा। जब वो कबूतरी 24 घंटे बाद दूसरा अंडा देंगी तो आप उसके नीचे जो कबूतरी ने पहला अंडा दी थी वो अंडा उसके नीचे आप रख दो। दोनों अंडे आप अच्छे उसके उठा के, यानी दोनों अंडे दोस्तों आप उसके नीचे हो जाएंगे एक ही दिन के अंडे। जब कबूतरी एक अंडा देती है तो सिर्फ कबूतरी ही बैठती है, 24 घंटे बाद नर उसके ऊपर बैठना स्टार्ट करता है। नर इसलिए बैठता है कि उसके नीचे दो अंडे हो जाते हैं, इसलिए वो नर बैठना चालू हो जाता है। एक अंडे पे बहुत कम नर बैठते हैं, नहीं तो दोस्तों नहीं बैठते वो। जहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात आपने ये कर लिए तो इंशाल्लाह जब भी अंडे में से बच्चे निकलेंगे दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे। नहीं तो आप देखना, अंडे में से एक बच्चा निकलता है तो 24 घंटे बाद दूसरा बच्चा निकलता है, उसमें घटबड़ हो जाती है। आप ये करोगे ना दोनों बराबरी से बच्चे निकलेंगे और एक जैसे दाना मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। मान लीजिए आपने ये नहीं करे और आपके यहाँ बच्चे निकल गए, बच्चे छोटे बड़े हो रहे, आपको करना है ये है मेरा भाई, उन बच्चे को आप हाथ से हेड फिटिंग करो, हाथ से दाना पानी खिलाने की कोशिश करो जो बच्चा छोटा हो रहा है। या फिर मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा छोटा है ना, जब आप कबूतर को दाना पानी खिलाते हो ना तो बड़े बच्चे को उठा के कोने में रख दो। इस तरीके से कोने में रखें कि दूसरे कबूतर नहीं मारे। जब कबूतर का जोड़ा दाना पानी खाएगा और बच्चे को दाना, कौन से बच्चे को दाने खिलाएगा पेट भर के, छोटे वाले बच्चे को। छोटा वाला बच्चा दाना मंग नहीं पाता है वो, तो वो बच्चा पेट भर के दाना खा लेगा, ये डमरू हो जाएगा। फिर दूसरे राउंड में जब कबूतर दाना पानी खाने जब नीचे जाते हैं ना, तो जो पहला बच्चा जो बड़ा बच्चा है उसके बाजू में रख दो बस। तो ये आप प्रोसेस करेंगे सुबह और शाम जब भी दाना खिलाते हो तो इंशाल्लाह वो बच्चे बराबरी से दोनों बड़े होंगे। या फिर आप चाहो, जब आपने देख लिया कि हमारे पास 15 दिन के बच्चे हो चुके हैं, 15 दिन के बच्चे दोस्तों करीब इतने बड़े हो जाते हैं, तो आप हर एक कबूतर से फिर आप उससे एक एक बच्चा पलवाओ। अब एक बच्चा कैसा, 15 दिन का बच्चा हो गया है, दूसरे कबूतर के नीचे वो बच्चा उठा के रख दो और वो कबूतर के नीचे रखो जिसके नीचे खराब अंडे हैं और हम जोड़ से बच्चे पलवाते हैं, उस जोड़ के नीचे वो बच्चा रख दो। तो एक बच्चा वो पेट भर के नर और मादी खिलाएंगी, माशाल्लाह बच्चा अच्छा बड़ा होगा। और जिसके नीचे एक बच्चा है, यानी दोनों के नीचे एक एक बच्चे हो जाएंगे, तो दोनों जोड़ माशाल्लाह उस बच्चे को अच्छे पालेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हूँ, उस तरीके से आपके जो बच्चे हैं छोटे बड़े हाइट नहीं होंगी और उनको मिक्स दाने के लिए जोड़ वाले कबूतर। आप दोस्तों समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपको, एक जोड़ के नीचे एक बच्चा पलवाओ, सिर्फ एक बच्चा। जब 15 दिन के बच्चे हो जाए दोनों,
तो एक बच्चा उठा के कबूतर के नीचे रखो। आप हर एक कबूतर से एक एक बच्चा पलवाओगे ना, तो माशाल्लाह वो बच्चा स्ट्रॉन्ग पलता है। उस बच्चे में एनर्जी ज़्यादा होती है, कमज़ोर नहीं होता वो बच्चा, ये आप आजमाना। और एक बच्चा दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बड़ा रहता है, उसके पर भी स्पीड से आते हैं, उसमें ग्रोथ होती है और चंट चाले की होती है, जो एक स्पीड से बच्चा स्पीड से बड़ा होता है, जिसको दाना भरपूर मिलता है। और जो बच्चा छोटा हो जाता है कमज़ोर, वो बच्चा उड़ान भी आपको नहीं देगा, बिल्कुल उड़ेगा भी नहीं आपके पास, कमज़ोर हो जाएगा। और उसके शरीर के जो पर होते हैं भाई, वो धीमे धीमे आएंगे और कमज़ोरी में आके हो सकता है वो बच्चा जाया हो जाए। तो आपको भाई ध्यान रखना है, आपने हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, जब भी मादी अंडा देती है अलग कर दो, 24 घंटे बाद भी वो मादी अंडा देंगी, तो दो वो अंडा उठा के उसके नीचे रख दो, ठीक है। कबूतर को जिससे बच्चे आप पलवा रहे हो, मिक्स दाना पानी खिलाओ। कबूतर जब तक पेट नहीं भरेगा तो अपने बच्चों को दाना पानी क्या खिलाएगा वो? आप एक बार दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमने दाना खिलाया कबूतर को, जोड़ा वाले कबूतर दाना इसको मिल गया पेट भर के, उनने बच्चों को भी खिला दिया, दोनों बच्चों को खिला दिया। जब उसकी बारी आती है, जब वो दाना खाने के लिए नीचे जाता है, ट्रे में दाना ख़त्म हो जाता है, तो उससे भी दोस्तों फ़र्क पड़ जाता है, बच्चा छोटा बड़ा हो जाता है। या फिर आपका जोड़ा, जिस जोड़ से आप बच्चे पलवा रहे हो ना, वो भी जोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो आप बस दोस्तों एक बच्चा पलवा मेरे साथ, सिर्फ एक बच्चा। और ये दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप बस ये ध्यान रखना, जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है, अब से आप हर एक जोड़े से एक बच्चा पलवाओ। और वो बच्चे की आप स्ट्रॉन्गपन देखो, उस बच्चे का माइंड देखो, उस बच्चे की आप उड़ान देखना, कभी आप उड़ाने का शौक रखते हो, एक बच्चा पलवाओ और बच्चे उड़ाने की देखो आप, माशाल्लाह आपको अच्छी उड़ान देगा, तंदुरुस्त बच्चा बनेगा और माइंडेड बच्चा बनेगा। कमज़ोर वाला बेचारा वो हर चीज़ में कमज़ोर होगा, हर चीज़ में पीछे होगा, उड़ान के अंदर और माइंड के अंदर हर चीज़ में दोस्तों वो बच्चा पीछे होना ही है, क्योंकि दोस्तों कमज़ोर है वो। दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए वीडियो, ये बहुत ही समझने वाली वीडियो थी। मेरे पास वीडियो के नीचे कमेंट आ रही थी बार बार, यार बच्चन भाई हमारे भाई कबूतर बच्चे छोटे बड़े हो रहे यार, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों बात ये है, कुछ रीज़न यही है दोस्तों, इसी कारण बच्चे छोटे बड़े होते हैं। आपने बस ये चीज़ को ध्यान में बिठा लिए, कर लिए, तो इंशाल्लाह भाई आपके कबूतर बच्चे एक भी छोटे बड़े नहीं होंगे, ठीक है। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो भी जाते थे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।